दोस्तों, अगर आप भी हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन कोई भी मॉडल या क्रैंक मॉडल मशीन को लेकर के अगर पेपर प्लेट बिजनेस को आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बड़ा ही सवाल लोगों के मन में उठता है कि भाई, जो पेपर प्लेट हम बनाते हैं उस पेपर प्लेट को जब हम रोल से बनाते हैं तो प्लेट तो हमारा निकल जाता है, बट प्लेट निकलने के बाद जो स्क्रब बचता है, जो कचरा बचता है, प्लेट तो हमारा फिनिशिंग निकल जाता है, लेकिन दोनों साइड जो हमारा कचरा बचता है वो कचरा का क्या होता है, उसे हम क्या करें। जैसे बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और उनको जो कचरा बच जाता है उनको ये मालूम नहीं है कि भाई ये कचरा हम क्या करें, क्या यह कचरा बिक जाता है, और बिक जाता है तो किस रेट में बिकेगा और कहाँ बिकेगा। तो दोस्तों, ये सवाल अगर आपके भी मन में है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। साथ ही मैं बता दूं कि पेपर प्लेट बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूं, बहुत सारे जगह पे जाके मैं इंटरव्यू लेता हूं, जो लोग 2 साल 4 साल 5 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि भाई कौन चीज़ को कैसे जो है सेटल करे, और बचने वाला जो है प्रोडक्ट तो सही क्वालिटी का निकल जाता है इस तरीके का प्लेट, लेकिन इससे जो बनने वाला बचता जो है स्क्रब या कचरा वो उसका क्या करना है। तो ऐसे ही मैं एक इंटरव्यू लिया था, ये इंटरव्यू आप लोग भी देखिए। उनसे मैं सवाल किया था कि भाई वो जो है बचे हुए जो कचरा है या फिर स्क्रब बोल लीजिए, इसका वो क्या करते हैं, तो वो सारा चीज़ों को जो है डिटेल से जो है जानकारी दिए हैं। सो आप भी बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए और समझिए कि बचे हुए स्क्रब का जो है क्या किया जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये जो आप कचरा भरे हुए, इसी कचरा को तो देख के लग रहा है कि आपका मशीन कितना ज़्यादा चलता है, ये कचरा क्या होता है। बहुत सारे नए लोगों को भी और जो चला रहे हैं उनको भी जो है ये सब जो है डाउट रहता है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, कचरा नहीं, यही समझिए कि आपका पूंजी है। अच्छा। कचरा इसको मत समझिए, क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल आते हैं ना, उसका मतलब इससे बेचने के बाद अपना रॉ मटेरियल का कुछ खर्चा भी निकल जाता है, कुछ बिजली बिल भी निकल जाता है, और ज़्यादा मात्रा में कुछ लेबर का भी खर्चा निकल जाता है सर जी। तो अगर कहा जाए सही तौर पे, तो जो लोग सोचते हैं कि ये कचरा हम बिक दें या जला दें, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये आपका बिजली कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी कहा जा सकता है, ये निकाल देगा। जी जी, निकाल देगा। अच्छा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी जो है इनके माध्यम से आज मैं ले पाया हूँ, बता पाया हूँ आप लोगों को, नया बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो है। और जो लोग मशीन लिए हैं और 10 दिन 15 दिन और महीना दिन हुआ है, छोटा मोटा प्रॉब्लम आया है और वो सोच रहे हैं कि भाई अब इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है, तो कहना चाहूँगा कि ये 1-2 किलोमीटर नहीं, 50-50 किलोमीटर दूरी जा कर के जो है मार्केटिंग करते हैं, मेहनत किए हैं, जो प्रत्यक्ष खड़े हैं, और ये भी बताते हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा। जी जी जी, बेगर मेहनत का पैसा नहीं आएगा सर जी। अब सोचिएगा कि हम घर में बैठे रहे और पैसा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई बिजनेस हो, कोई बिजनेस है, मेहनत करना होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि मैं उनसे सवालों का जो है वो जवाब मांगा, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सवालों के जवाब दिए हैं। और नए लोगों के लिए या जो बिजनेस कर रहे हैं और इस तरीके का जो है सवालों का जवाब जिनके पास नहीं था, उनके लिए जो है ये काफ़ी जो है बेहतर साबित हुआ। अब मैं बता दूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कि भारत में आप कहीं से भी है और अगर बिजनेस को कर रहे हैं, आपका स्क्रब बच जाता है, तो आप नियर बाय जो है कबाड़ी वाला के पास जा सकते हैं, जो बड़े कबाड़ी वाला हो, लाइक दैट मुजफ्फरपुर एरिया से आप रिलेटेड है तो मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक पे बड़े बड़े कबाड़ी वाले हैं जो इस चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो आप अपने एरिया में बड़े कबाड़ी वाले से कंसल्ट कर सकते हैं और उन्हें जो है ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, ताकि आपके मशीन का और कुछ लेबर कॉस्ट, कुछ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ लेबर कॉस्ट का मेंटेनेंस खर्च निकल पाए। वही अगर लोगों का ये भी सवाल है कि भाई ये कितने रुपए में सेल होगा, तो मैं तो दावा नहीं करूँगा कि ये आपका इतना में सेल हो जाएगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये बताऊँगा, जहाँ लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन लिया हूँ उस हिसाब से मुझे पता चला है कि 8 से लेकर 15 रुपया के बीच में ही आपको पर किलो सेल हो जाएगा। अलग अलग जगहों पे और अलग अलग समय में इस स्क्रब का जो है प्राइस अप और डाउन होते रहता है। तो दोस्तों, ये जो है प्रोजेक्ट आप अपने अनुसार से सेल कर सकते हैं, इसे जो है
बारिश के पानी से जो है वो बचा के रखना पड़ता है, नमी से बचा के रखना पड़ता है, तभी जो है वो कोई आपसे वो ख़रीदेगा, अन्यथा आपसे ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ उन नए लोगों के लिए जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर आए हुए हैं बट उन्हें ये नॉलेज नहीं था कि भाई इसके बचे हुए स्क्रब को हम क्या करें, इसको क्या करें, इसको फेंक दे या फिर ये सेल हो जाता है या फिर इसको किस प्रकार से जो है हमको बचा के रखना है और सेल करना है। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।